नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत। ये बरसात आई तो थोड़ी सी लेट है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बारिश हुई है, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में और मैं हूँ आपके साथ अक्षर आर्य। गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली NCR के लोगों को राहत की सांसें मिली हैं। काफी लंबे समय से गर्मी की तपन झेलने के बाद आज बारिश से लोगों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले कई दिनों से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों को गर्मी की तपन के बाद बारिश से राहत मिली है। सूरज की तपिश अपने परवान पर थी, जिसके बाद मॉनसून के शुरुआत से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई है। इसी बीच हिंद भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर लोगों के उत्साह और उमंगों के बारे में जानने पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत। और आखिरकार भीषण गर्मी के बाद राहत मिली है। जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी है दिल्ली NCR में, से लोग काफ़ी खुश हैं और लोगों को काफ़ी गर्मी से राहत मिली है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ज़रा सा नज़ारा दिखाए कि किस तरीके से खुशनुमा मौसम हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसा ही खुशनुमा मौसम आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ नमी ही नमी देखी जा रही है, रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग काफ़ी खुश हैं और किसान भी काफ़ी खुश हैं। किसानों के लिए भी ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आखिरकार लोगों को बड़ी राहत मिली है और इसी को जानने के लिए कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। हम नोएडा पे मौजूद हैं और नोएडा में लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारिश के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए लोगों से हम बात करते हैं। सर, काफ़ी समय के बाद मौसम ने मिजाज बदला है, यानी कि बरसात हुई और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी एक तरीके से सुकून मिला है गर्मी से, क्या कुछ कहेंगे सर? ये बरसात आई तो थोड़ी सी लेट है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। भैया गरीब जो है, गरीब आदमी, बिजली कट रही थी बार बार कुछों के पास। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ऐसी बन गई कि लोगों के पास कूलर नहीं है। कोई बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग तो एसी में, गार्डन में एसी, घरों में एसी, ऑफिसों में एसी, वो टाइम काट रहे। गरीब आदमी, ठेली वाले, पटरी वाले, चौक के मजदूर, गर्मी में उनकी बुरी हालत हो गई। और उनके छोटे छोटे बच्चे, न कूलर है, न पंखा है कहीं, न लाइट भी नहीं है। बहुत स्थिति ख़राब हो गई, जहाँ तक 50 तक टेम्परेचर पहुँच गया। अब सर ये बारिश हुई है, तो बारिश के बाद कैसा आपको लगा? बारिश के बाद बहुत अच्छा हुआ है, मौसम सुहावना हो चुका है, पेड़ धो गए हैं, चारों तरफ ठंडक हो गई है। ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, परमात्मा ने, भगवान इंद्र देवता ने बारिश करके बहुत ही सुकून दिलाया जनता को। मौसम जो है बदलाव हुआ है, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज जो है वो अब सुहाना हो गया है, तो क्या कहें? गर्मी से जो स्थिति थी, लोग बेहाल हो रहे थे, ऐसा समझो बारिश होते साथ ही सारे तरबतर हो गए। लोग खुश हो गए हैं और ख़ासकर किसान परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था हमको, अब उनको अच्छी बुआई कर सकेंगे, मूंजी बगाए धान के वो रुपाई कर सकेंगे। ये बहुत बढ़िया हो गया है, इसके लिए सभी लोग खुश हैं। सर, काफ़ी समय के बाद मौसम ने करवट ली है और काफ़ी मौसम खुशनुमा हुआ है, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, अब बारिश हुई है, सर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। गर्मी भी थी, डस्ट भी बहुत उड़ रही थी काफ़ी दिनों से, तो बारिश हुई है, बहुत अच्छी बात है। बट देखते हैं और कितने दिन बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून वैसे भी 2-3 साल से लेट ही आ रही है दिल्ली NCR में। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कंटिन्यू रह रहे हैं ऐसे। तो आपने देखा कि जब बारिश के आने के बाद लोगों में खुशी की लहर छा गई है और साथ ही मॉनसून के आने के बाद किसानों को भी खूब लाभ मिल सकेगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत। ये बरसात आई तो थोड़ी सी लेट है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बारिश हुई है, बहुत अच्छी बात है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।